तुम ठीक तो हो ना प्रचंडिका? शातिरपरी, भटकातिपरी, मतलब ये चार ताला खुलवाने की? हाँ, मगर ये ताला नहीं, असली इमारत का असली ताला, जहाँ असली प्रचंडिका है। वो चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भटकातिपरी, क्योंकि वो चाबी तो बालवीर लेकर चला गया शातिरपरी। सत्यानाश! मैं तुम्हें इतनी कड़ी सजा दूंगी भटकातिपरी। रानी परी, सब बच्चे एक एक करके आदि बालक जैसे बन गए और मैं वहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेहर, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर आदि कालम किताब लेकर आते ही होंगे। आदि बालक, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? परी मुझा, आदि मुझा। मेहर, शायद आदि बालक कुछ नहीं जानते, इसीलिए इनसे कुछ भी पूछना बेकार है। मेरी मानव भी गायब हो गया, प्लीज मानव को वापस लेकर आइए, प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? मानव को वापस जाओ, मुझे मानव वापस चाहिए, कुछ भी करके मुझे मानव वापस चाहिए, समझे तुम? का मतलब ये सब कुछ इस कलाई कंगन की वजह से हो रहा है, जिससे एक एक करके सभी बच्चे आदि युग में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो सभी बच्चे आदि बालक बन जाएंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अरे चाबी, ये चाबी तुमने कैसे हासिल की? घुराए चाहे कितने भी तालों के अंदर अपने आप को बंद कर ले, लेकिन उसका अंत करने के लिए सच्चा और अच्छाई हर ताले की चाबी ढूंढी लेती है। शातिर ने तुम्हें ये चाबी ऐसे नहीं दी होगी, जरूर तुमने उसके साथ कोई छल किया है। सही का, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि छल करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, बुराई को सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए कई तरीके हैं मेरे पास, और तुम्हारा अंत करने के लिए मैं हर तरीका अपनाऊंगा। यहाँ तुम आ तो गए हो, मगर मुझसे बचकर जा नहीं पाओगे। कौन किसका अंत करेगा ये तो समय बताएगा प्रचंडिका, लेकिन इस समय मैं तुम्हारे प्राण बख्श सकता अगर तुम मुझे आदि कालम किताब यहाँ से ले जाने दो। आदि कालम किताब? क्या मैं तुम्हें उसकी धूल तक नहीं ले जाने दूंगी? ओ! ओ! आ
ये तुम्हारा खेल है प्रचंडिका? तुम बच्चों को आदि बालक बनाकर आदि युग में भेजना चाहती हो? बहुत देर से समझ में आया बालवीर। अब मानव नहीं, बाल मित्र, वो आदि युग पहुंच गया। बाल सखी, वो भी आदि युग पहुंच गई है और उसके साथ साथ तुम्हारे प्यारे रॉकी चाचू, वो भी वहां है। मतलब सिर्फ तुम्हारी सेना ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी मैंने तुमसे छीन लिया है। हर बच्चा मेरी सेना और मेरा परिवार है। अच्छा, अगर ऐसा है आज इस आदि कालम किताब के साथ साथ वो सब भी खत्म हो जाएंगे। मेरे अगले बार से आदि कालम किताब नष्ट हो जाएगी और उसी के साथ साथ बाल मित्र, बाल सखी, रॉकी चाचू और बाकी सभी लोगों का आदि युग से वापस लौटने का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। नहीं प्रचंडिका, ऐसा मत करना। जिस काम को करने से रोका जाए प्रचंडिका को, वो काम वो जरूर करती। नहीं, लग रहा है मुझे तुम्हें मेरे आगे झुका हुआ देखकर, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई की सही जगह तो बुराई के कदमों में होती है। बहुत खुश हूं मैं आज बालवीर, बहुत खुश, क्योंकि आज बाल मित्र बाल सखी के साथ साथ तुम भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। मेरे प्रचंड मर्क्यूरी घोड़े से करने का समय हो तो वार करो, बातों में समय बेकार मत करो। बालवीर की ऐसे याद रख। आदि बालक, हमें कलाई कंगन दे दीजिए। थोड़ी मुझे आदि मुझे। पालकी, रानी परी, ये देखिए, मैं आदि कलम किताब लेकर आ गया। अब इसकी मदद से हम सब बच्चों को वापस लेकर आ जाएंगे। आदि बालक, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी मदद से मैं तुम्हारे युग में तुम्हें वापस भेज दूंगा। खुश? रुक जाइए पालकी, आदि बालक को मत छुइए, क्योंकि इनके पास हूबहू कलाई कंगन है, जिसे छूते ही आप भी इनके आदि युग में चले जाएंगे। इसी कलाई कंगन की वजह से बच्चे आदि युग में जा रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें मत छुइए। इस कलाई कंगन की वजह से? बालवीर, इस सब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस समय हमें इस कलाई कंगन को निकालना होगा। लेकिन नानी परी, अभी तो आपने ही कहा कि इस कंगन को छूने से मैं भी आदि युग में चला जाऊंगा। हाँ बालवीर, इसका भी एक उपाय है हमारे पास। जैसे ही हम इस आदि कालम किताब से मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको उसी समय आदि बालक के हाथ से इस कलाई कंगन को निकालना होगा, क्योंकि मंत्र उच्चारण के समय अगर आप इस कलाई कंगन को निकालेंगे तो इसका असर नहीं होगा और बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएंगे। जी रानी परी,
सर्वं बचामं किताब वापिसं आग्रहं सर्वबं सर्वं बचामं किताब वापिसं आग्रहं सर्वबं सर्वं बचामं किताब वापिसं आग्रहं सर्वबं बाल्वी, अब आदि बालक को उनके वास्तविक रूप में परीलोक लेकर चलते हैं ताकि वहां से उनके आदि युग में उन्हें वापस भेजा जा सके। बाल्वी, आदि बालक को आदि युग में भेजने का समय आ गया है। जी रानी पर, मैं और सारे बच्चे तुम्हें याद रखेंगे आदि बालक। खड़ी मोजा, आदि मोजा। आदिबालकं वापसं जावमं आदिकालं कितावं प्रवेशं द्वारं खोलमं पालवीर, आदि बालक आदि युग में वापस जा चुका है। अब इस किताब को इसके स्थान पर रख देते हैं। के लिए अरे कर नहीं सकती आप बालवीर का बाल भी बाका। बेवकूफ, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रचंडी का जो कुछ भी करती है पूरी योजना के साथ करती है। योजना? ये योजना, ये बेकार की जमीन चक्री, ये बेकार के विस्फोटक। अरे होगा क्या इन विस्फोटकों से? अभी पता चल जाएगा। जाओ जाके ये विस्फोटक फोड़। नहीं फोड़ूंगा भैया विस्फोटक। फोड़ो। फोड़ता मैं, फोड़ता। मुझे कुछ भी लेकिन निकला ये तो एकदम निकम्मा प्रचंडिका की तरह। बड़ी बड़ी बातें और परिणाम शून्य। तबा तबा है? ये तबा तबा कहाँ चला गया? है लगता हो गया इन पटाखों का असर इस शातिर परी पे। ओ शातिर परी, अरे नहीं वो क्या देख, इधर उधर, इधर इधर देखो। यही है मेरे विस्फोटक की विशेषता। मतलब ये कोई साधारण विस्फोटक नहीं, ये तो जादुई विस्फोटक है। जो भी बच्चा इस विस्फोटक को जलाएगा तो बच्चा अदृश्य हो जाएगा और कभी भी
दोबारा अपनी दुनिया में लौट कर आ नहीं पाए। वो तो ठीक है प्रचंडिका, लेकिन इसमें बालवीर को तो कुछ नहीं होगा ना? होगा, बालवीर का नाम खराब होगा, क्योंकि अदृश्य हुए बच्चों को बालवीर कभी भी उनकी दुनिया में वापस नहीं ला पाएगा, और ये बालवीर के लिए उसकी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन प्रचंडिका, क्या बच्चे अपनी वास्तविक दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे? आएंगे, जब मैं चाहूंगी तब। बालवीर, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि पटाखे चलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन विचार परी का कहना भी बिल्कुल सही है बालवीर, हम बच्चों से पटाखे चलाने का आनंद नहीं छीन सकते। इसीलिए परियों, बालवीर, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे दोनों की बात रह जाए। लेकिन ये कैसे संभव है रानी परी? इसका उत्तर तो विज्ञान परी और नटखट परी ही दे सकती है। जी रानी परी, हम ऐसे निर्दोष पटाखे बनाएंगे जो ना ध्वनि प्रदूषण फैलाए और ना ही वायु प्रदूषण, और फिर बच्चों को वो पटाखे फोड़ने में और मजा आएगा। तो परियों, देर किस बात की है, तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। और बालवीर, आप बच्चों को ये संदेश पहुंचा दीजिए कि दिवाली के शुभ अवसर पर आप उन्हें उपहार के तौर पर निर्दोष पटाखे भेज रहे हैं, जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और ना ही बच्चों को कोई हानि पहुंचेगी। जी रानी परी। प्रचंडिका, तुम रोग भी तुम खुद ही देती हो और उसकी इलाज की दवा अपने पास ही रखती हो। बालवीर, ये दिवाली तुम्हारी जिंदगी की सबसे विशेष दिवाली होगी, जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.